हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आईब्रो को क्लीन शेप कैसे दे। और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बढ़े हुए हेयर को कट कर ले रही हूँ इस तरीके से, और उसके बाद जिस तरीके से हमेशा बताती हूँ इस तरह से लूप बनाना है, और ये आपका गांठ है, और इस तरीके से यहाँ पे धागे को रखना है। और एक बार में देखिए मैं किस तरह से शेप करती हूँ, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में धागे को रखिए, और ये एक बार में आपका शेप आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही बार धागा में चलाई हूँ और कितना अच्छा शेप आ गया। और फिर से एक बार, और फिर ये लगभग पूरा शेप कम्प्लीट हो गया ऊपर का, ये देखिए लगभग पूरा ऊपर का ये शेप हो गया। तो आपको इसी तरीके से करना है। और क्या प्रॉब्लम है सबका कि आईब्रो क्लीन नहीं दिखता, छोटे छोटे हेयर नहीं दिखते, तो ये मैं आज बताऊंगी। आप लगातार देखिए वीडियो को कि किस तरीके से छोटे हेयर को निकालना है। तो यहाँ पे मैं आ गई, और यहाँ से आज के पास से डार्ट इस तरीके से रखना है धागे को, और ये एक स्ट्रोक में आपको पूरा शेप कंप्लीट कर देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर का शेप हो गया कंप्लीट, और अब मैं नीचे करने वाली हूँ। देखिए मैं किस तरीके से शेप कर रही हूँ, धागे को ऊपर से लेके नीचे आ रही हूँ इस तरीके से, जितना चौड़ा रखना है वहीं तक पहुँच के उसके बाद धागे को इस तरह से शेप में अंदर लेके जाना है। देखिए कैसे मैं शेप के अंदर लेके जा रही हूँ, तरीके से धागा हेयर को अपने कैप्चर में ले रहा है, किस तरह से कवर कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेप हो रहा है। फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस तरीके से धागा को ऊपर से नीचे लाना है, आईब्रो में ऐसे फंसाना है आईब्रो के ये हेयर में, और इस तरह से आपको निकाल देना है। स्टार्टिंग का 2-4 हेयर आपको अच्छे से निकालना है, क्योंकि यही आपके लिए गाइडलाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ देखिए निकाल ली, और यहाँ देखिए अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आती होगी कि ये यहाँ पे गड्ढा बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच आप फिर से यहाँ से करवाइए, इससे क्या होगा कि आपका ये जो गड्ढा बन रहा था वो नहीं बनेगा, तब आपका धागा अच्छे से यहाँ पर बैठ सकता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से स्ट्रेच करवाई, और फिर देखिए किस तरीके से ले रही हूँ इसे, यहाँ से इसे इस तरह से पकड़ी, इस तरीके से धागे को लाना है हेयर के बीच में। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, फिर से वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे गड्ढा बन जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम है, आगे साथ भी प्रॉब्लम है, और आपके पास कोई हो अदर पर्सन कस्टमर के अलावा तो आप उनसे स्ट्रेच जरूर करवा लें। तो इस तरीके से यहाँ पे सेव करना है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से मैं फिर से इस हेयर को धागे में ले रही हूँ, धागे के ग्रिप में ले रही हूँ। तो इस तरह से बीच से घुसाना है और हेयर को पकड़ना है और उसे निकाल देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे में शेप हो गया, और आगे का जो शेप हुआ ना वही आपके लिए गाइडलाइन हो जाता है, और उसी के अनुसार आगे मैं बढ़ते जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक आ गई, आप देख सकते हैं कि बस स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग आपको करना है, उसके बाद तो आपका सारा आईब्रो बन जाएगा। इतना करने के बाद आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेन कोई भी काम का सबसे मेन होता है गाइड। अगर आपको गाइडलाइन मिल गया तो आप सारे काम को परफेक्टली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आईब्रो कंप्लीट हो गया, बस अब बच गया एक्स्ट्रा, उसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो देख सकते हैं आपकी ये आईब्रो कंप्लीट हो गया लगभग। अब मैं इसके साथ ही बीच का शेप कर ले रही हूँ। बीच का भी शेप मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप देखिए बीच का शेप किस तरीके से करेंगे। ऐसे नोज के पास से धागे को लेके जाएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ से नोज के पास से ऐसे धागे को ले जाएंगे, और यहाँ से आप हेयर को निकाल देंगे। तो इतना करने के बाद मैं आ गई लेफ्ट आईब्रो में। लेफ्ट आईब्रो में मैं आज ऊपर से बने हूँ, मैं डायरेक्ट आज नीचे आ गई और नीचे से ही बना रही हूँ। और देखिए किस तरीके से मैं शेप करती हूँ, किस तरह से मैं गाइडलाइन लेती हूँ, इस तरीके से आईब्रो के बीच में ही मैं घुसा दी, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ है। तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, और आप लोग सोचेंगे कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हेयर को निकाल रहे हैं, उस पर ही डिपेंड करता है दर्द। ठीक है, तो यहाँ बीच से डायरेक्ट जैसे मैं बताती हूँ इस तरीके से यदि आप शेप करते हैं ना, तो आपका आईब्रो का शेप बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐसे बताती हूँ। तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी करके कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि क्लाइंट को ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतना हो गया, इसके बाद मैं क्या करी हूँ, इसी शेप से आगे बढ़ रही हूँ। आपको सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रही हूँ। अगर सेम इस तरीके से करेंगे
तो एक तो आपका सेब बहुत अच्छा आएगा, दूसरा जो आप लोग बोलते हैं कि क्लीन नहीं होता वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हेयर कब क्लीन नहीं होता, यदि आप सेप में नहीं काम करते, कभी कहीं से हेयर निकालते हैं, कभी कहीं से निकालते हैं, तो क्या होता है आपका आईब्रो क्लीन नहीं दिखता है। तो वही मैं बताती हूँ कि आप लोग एक गाइडलाइन बना लें और गाइडलाइन बना के काम करें, तो आपका थ्रेडिंग जो भी बनाते हैं आपका बहुत ही क्लीन बनेगा। जैसे मैं यहाँ बताई, आप देख सकते हैं कि ये थ्रेडिंग कितना क्लीन दिख रहा है, इतना बनाने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से हेयर निकलेगा, तो मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी देखना है, क्लाइंट को दिखाने के पहले आप देखिए कि आप जो बनाए हैं आईब्रो, वो आईब्रो सही बना है या नहीं, उसके बाद ही आप क्लाइंट को दिखाएं। तो यहाँ पे देखिए नीचे का शेप एकदम परफेक्ट हो गया है, और अब मैं ऊपर का कर रही हूँ। ऊपर का मैं आज लेफ्ट साइड से ही कर रही हूँ, आप राइट से भी, मैं हमेशा बताती हूँ राइट से करने का, बट मैं आज लेफ्ट से बता रही हूँ। तो यदि आप मेरी वीडियो को देखते देखते आईब्रो बनाने में परफेक्ट हो गए हैं, तो आप ये भी ट्राई करके देखिएगा, यानी कि कभी आपको ज़रूरत पड़ा कहीं से भी खड़े होकर आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आप अभी बिगनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप राइट साइड से ही बनाइएगा। तो इतना होने के बाद मैं इस साइड का भी शेप कर ली, और लगभग ये आईब्रो कंप्लीट हो गया है। इस आईब्रो में भी हेयर यहाँ बढ़े हुए हैं, जिसे मैं अब कट कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ हमेशा कि आप पहले कट कर लीजिए, तो पहले ही कट कीजिए। मैं तो कभी भी कर लेती हूँ, बाद में भी कर लेती हूँ, तो परफेक्ट से पा जाता है, बट आप पहले ही किया कीजिए। यदि आप बिगनर्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा कि कितना आपको बनाना है आईब्रो, कितना चौड़ा बनाना है, पतला बनाना है, जो भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आईब्रो भी लगभग कम्प्लीट हो गया। तो ये है आज के आईब्रो का फाइनल लुक। तो आप लोगों को आज का आईब्रो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिला ये भी मुझे कमेंट कीजिए, और क्या जानना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे, या तो फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना के देती हूँ। तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।